The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. तो आइए बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयां जो आती हैं वो क्या है। पहली बात हम करेंगे कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं कौन सी आती है, फिर हम बात करेंगे कि उनके साइड इफेक्ट क्या है, लेना है नहीं लेना है, उसका गाइडलाइन क्या है, उसके लिए रिकमेंडेशन क्या है, आप लोगों को समझाएंगे सिंपल स्पष्ट भाषा में। सो तैयार हो जाइए, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन एज यूजुअल। आपने अब जब तक हमारे इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जो भी है सब्सक्राइब है, लाइक है, शेयर है, सब करते रहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है, सुनते रहिए, समझते रहिए, आज नहीं तो कल ये जानकारी आपके या आपके किसी चाहने वाले के काम जरूर आएगी, राइट। सो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाओं का एक जुट नाम हम स्टैटिन बोल सकते हैं। स्टैटिन क्या है? स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाओं का एक ग्रुप है, ड्रग्स है ये जो कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं, राइट। ये कैसे काम करती हैं? ये स्टैटिन ब्लॉक करता है एक सब्सटेंस को आपकी बॉडी में जो कि जरूरी है कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए। सिंपल, कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, राइट। लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल ये एक अकेला काम नहीं है स्टैटिन का, स्टैटिन और भी काम करता है। स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करते हुए हार्ट की बीमारी और स्ट्रोक का रिस्क कम करते हुए देखा गया है। नो डाउट स्टैटिन जो लेते हैं उनका हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का रिस्क कम होता है, और जो खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होके प्लाक बनाता है उस प्लाक को स्टेबलाइज करता है ताकि वो टूट टूट के इधर उधर ना निकले, उसमें एक प्लाक ब्रेकेज ना हो, वहां क्लॉट ना बने, राइट। तो इसमें ब्लड क्लॉट का रिस्क भी कम करता है, सो दैट इज वेरी गुड, राइट। स्टैटिन्स आर ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें बहुत सारे प्रकार के स्टैटिन आते हैं। एटोरवा स्टैटिन सबसे कॉमन, लोरवा स्टैटिन, पीवा स्टैटिन, रोसुवा स्टैटिन, सिमवा स्टैटिन, प्रावा स्टैटिन, स्टैटिन स्टैटिन स्टैटिन। सो स्टैटिन जो है ये है, कई बार स्टैटिन्स को हार्ट की जो मेडिसिन्स हैं कई बार ब्लड थिनर्स के साथ उसको कंबाइन कर दिया जाता है, राइट। हमने सुना इकोस्प्रिन ए वी, रोसुवास ए एस पी, रोसुवास गोल्ड, इकोस्प्रिन गोल्ड, ये एटोरवास्टैटिन को बीपी की दवाइयों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। एटोरवास्टैटिन एम्लोडिपिन बाहर के देश में ज़्यादा चलती है। सो अल्टीमेट सवाल ये आता है कि भी आपको स्टैटिन लेना है कि नहीं लेना है, शुड यू बी ऑन स्टैटिन, वेदर यू नीड अ स्टैटिन और नॉट, डिपेंड्स अपॉन वॉट, ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है कितनी, आपका लेवल कितना है, नंबर वन कोलेस्ट्रॉल का, नंबर टू आपका हार्ट का रिस्क कितना है, आपके खून की नसों के अंदर बीमारी कितनी है, राइट। उन सारी चीजों के, आपके हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क कितना है, उसके बेसिस पे आपका डिसाइड किया जाएगा, राइट। उसके लिए कोलेस्ट्रॉल का नंबर सबसे बेसिक है, सबसे पहले ब्लड लेवल्स करना है 12 घंटे फास्टिंग करके, लिपिड प्रोफाइल, कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल, उसमें देखा जाएगा टोटल कोलेस्ट्रॉल बोले तो उसको कितना रखना है, उसको 200 के नीचे रखना है, 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर के नीचे या फिर 5.2 मिलीमोल्स पर लीटर के नीचे, राइट, दैट्स द थिंग। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है इसमें वो है बैड कोलेस्ट्रॉल, विच इज LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, इसका कायदा है इसको हमें 100 के नीचे रखना है, कोलेस्ट्रॉल 200, LDL 100, खत्म, 100 के नीचे रखना है इसको, 100 के नीचे आ जाए। अगर आपके हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, स्ट्रोक की हिस्ट्री है, तो इसको और कम रखना है, फिर इसको 70 के नीचे रखना है, 70 के नीचे रखना है, राइट। टोटल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी, और एक है वेरी लो डेंसिटी को भी हमने 30 के नीचे रखना है, मिनिमम रखना है, ज़्यादा कम हो गया तो कोई बात नहीं, चले। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल वाला पूरा वीडियो है, लिपिड प्रोफाइल का, ट्राइग्लिसराइड का, वो अलग से देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि स्टैटिन देना है कि नहीं देना है, कि आपका लॉन्ग टर्म में आज से 5 साल, आज से 10 साल के अंदर हार्ट अटैक का रिस्क कितना है, ये हमारे दिमाग में होता है, तब हम देते हैं कि भाई चलो इसको, इस पेशेंट को स्टैटिन की आवश्यकता है। प्लस अगर आपका LDL राइट, अगर आपका LDL बहुत ज्यादा है तब भी आपको स्टैटिन देना पड़ता है। पहली तो आपकी रिस्क, अगर आपका रिस्क ज्यादा है और आपका LDL थोड़ा सा ही ज्यादा भी है, LDL आपका 120 है,
तो हो सकता है हम बोलें कि रिस्क ज़्यादा है, दवाई ले लो, ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, बताओ लाइफस्टाइल करेक्ट करोगे। अगर एलडीएल आपका 190 से भी ज़्यादा है तब फिर यानी 4.92 मिलीमोल पर लीटर या 190 एमजी पर डेसीलीटर के ऊपर है एलडीएल, तब फिर आपको स्टैटिन लेना चाहिए। इफ़ योर रिस्क इज़ हाई तब फिर आपका स्टैटिन अगर 100 भी है तो भी लेना चाहिए था, क्योंकि 70 के नीचे लाना है ना फिर आपको, रिस्क डबल रिस्क है तो। प्लस रिस्क का क्या मतलब, रिस्क का मतलब है कि आप सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, एक्सरसाइज नहीं करते, मोटे हैं, ओबेसिटी है, आपके पहले से कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री, हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, पहले से कोई गले में जो नस है कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस हो रखा है, फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा हार्ट की हिस्ट्री है, ज़्यादातर यंग एज में हार्ट अटैक आ रखे हैं, या आपकी खुद की एज बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो ये सारे आपके हाई रिस्क हो जाते हैं। तो रिस्क असेसमेंट हमें करना होता है आपकी हिस्ट्री से, आपके टेस्ट से, आपके हार्ट के चेकअप से, तब हमारा शुरू होता है कि इलाज की ज़रूरत है। तो गाइडलाइंस क्या बोलती हैं, गाइडलाइंस बोलती हैं कि हर पेशेंट जो है उस जिस ऐसा नहीं बोलती हार्ट कि हर हार्ट के पेशेंट को स्टैटिन खाना ही है, नो, नॉट एवरीवन विद अ हार्ट कंडीशन नीड्स टू यूज स्टैटिन, नो, ऐसा नहीं बोलती है, राइट। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने गाइडलाइंस जो बनाई है कि पीपल हु डोंट हैव अ हार्ट और ब्लड वेसल डिजीज बट हैव वन और मोर कार्डियोवेस्कुलर रिस्क फैक्टर एंड अ हायर 10-year रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, उसको देना चाहिए बेसिक। ये डॉक्टर डिसाइड करता है, या फिर ऐसा किसको देना चाहिए जिसका ऑलरेडी हार्ट की डिजीज हो चुकी है बिकॉज ऑफ हार्डनिंग ऑफ दिस, यानी हार्ट अटैक हो चुका है, उसको भी देना चाहिए। या फिर किसी का अगर 190 से ऊपर एलडीएल है, वेरी हाई एलडीएल है, उसको देना चाहिए। मैं यंग आदमी आता है, एलडीएल उसका 150 भी होता है तो भी उसको नहीं देता, मैं उसको बोलता भाई साहब 2 महीने देता हूँ, करोगे मेहनत, डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस मैं बताऊंगा, करोगे ये कम हो जाएगा, नहीं करोगे तो दूंगा, अगली बार दूंगा दवाई कोलेस्ट्रॉल की। और चौथी कैटेगरी है जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, सॉरी जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज वाले पेशेंट्स जो हैं उनका एलडीएल जो है वो या उनके केस में रिस्क बढ़ जाता है। सो डायबिटीज वाले पेशेंट्स को हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो अगर आपको डायबिटीज है, एलडीएल 190 से ज्यादा है, हार्ट अटैक वटैक स्ट्रोक हो चुका है, या फिर अगले 10 साल में हार्ट अटैक का रिस्क है, तो आपको स्टैटिन पे रहना चाहिए। कब तक रहना चाहिए, रिस्क कम ना हो जाए, डायबिटीज कंट्रोल ना हो जाए। उसके अलावा आपको अपने हेल्दी रहना जरूरी है, आपका सिगरेट बीड़ी तंबाकू दारू सब बंद करना है, हेल्दी डाइट लेना है, रिच इन वेजिटेबल्स फ्रूट्स, अपना फिश अच्छा है, होल ग्रेन्स अच्छा है, राइट, लो सैचुरेटेड फैट्स कम करने हैं, ट्रांस फैट बंद करना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बंद करने हैं, नमक कम करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, बैठे मत रहो, सिर्फ उठो भागो दौड़ो, हेल्दी बनो, मेंटेन अ हेल्दी वेट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे नजर रखनी है, एलडीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलडीएल कम रखना है, वीएलडीएल कम रखना है, एचडीएल बढ़ाना है, वो कोलेस्ट्रॉल वाले वीडियो में आप देख सकते हो, सो दैट इज देयर। स्टैटिन्स ये जरूरी नहीं है कि आपके जिंदगी भर चलेंगे, कोलेस्ट्रॉल की दवा जिंदगी भर नहीं चलती, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना ये जिंदगी भर का काम है, राइट। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि एक महीना कर लिया उसके बाद भूल गए, नहीं, कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई चीज नहीं है अब, नो, आपके शरीर में एक बार कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ है तो आगे भी हो सकता है, तो आपको हर साल कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, जब भी ज्यादा होगा चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करो कम करना है, स्टैटिन लेना या डाइट करना या एक्सरसाइज करना या सलाद खाना या आपकी मर्जी। रिसर्चेस में यह भी देखा गया है कि रोज का आधा किलो सलाद खाओगे दैट इज इक्वलेंट टू अ स्टैटिन डोज सम वॉट इन यंग पेशेंट्स, एक्टिव पेशेंट्स तो पक्की बात है, एक्टिव हो सलाद खाते हो कम होगा कोलेस्ट्रॉल, इनएक्टिव हो कुछ नहीं खाते, गंद खाते हो, जंक खाते हो, फिर तो स्टैटिन भी लेना पड़ेगा और फिर भी हो सकता है वो कम ना हो। तो भैया यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकिल, राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टैटिन के साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेट मी टेल यू साइड इफेक्ट्स, अभी पहले शॉर्ट में बताता हूँ फिर डिटेल में बताएंगे। शॉर्ट में क्या है, स्टैटिन के साइड इफेक्ट्स क्या है, कॉमनली जो है हेडेक हो सकता है, मसल पेन हो सकते हैं, नौशिया हो सकता है, ये सारे कॉमन साइड इफेक्ट, सर में दर्द, मसल्स में दर्द, थोड़ा बहुत जॉइंट में दर्द, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। और रेयर साइड इफेक्ट्स जो हो सकते हैं, रेयर मतलब मसल सेल डैमेज, लिवर डैमेज,
लंबे समय यूज करने से, लंबे समय यूज करने से लिवर डैमेज, ये भी ऐसा नहीं कि जिसने यूज किया लंबे समय उसको होगा, उनमें कुछ लोगों में होता है, रेयर होता है। इसीलिए जब भी आप स्टैटिन पे हो, हर साल लिवर फंक्शन, हर साल हेल्थ चेकअप हो ही रहा है, लिवर फंक्शन टेस्ट होगा, मेमोरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ब्लड शुगर या टाइप 2 डायबिटीज उल्टा बढ़ सकती है स्टैटिन के चलते। सो इसीलिए वो भी चेक करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं लॉन्ग टर्म में। इसलिए स्टैटिन्स लॉन्ग टर्म लेने की आदत मत डालो, बेटर ऑप्शन है डाइट लाइफस्टाइल ठीक कर डालो, सिंपल एज अ पिंपल, राइट। वेट अपना मैनेज करना है, वजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अ बेसिक अबाउट स्टैटिन्स, अबाउट कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बहुत अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कोई सवाल है तो हम जरूर आंसर करने की कोशिश करेंगे।